गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑलवेज कीप स्माइल करते रहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड सैंडविच। हाँ, आज के डब्बे में ब्रेड सैंडविच था, तो सिंपल बच्चों के लिए चीज़ ब्रेड सैंडविच मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इसकी रेसिपी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चों के लिए सादा सिंपल ही रहेगा। तो मैंने दो ब्रेड ले लिए, ब्रेड पे मैंने एक साइड टमाटो सॉस लगा दिया और दूसरे साइड थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस लगा दिया और इसे अच्छे से पूरे ब्रेड पे फैला दिया। और फिर मैंने इस पे चीज़ ग्रेट कर दिया। जी हाँ, मेरे बेटे को चीज़ पसंद है, इसलिए मैंने इस पे चीज़ ग्रेट किया है। वो वेजिटेबल में बहुत ही कम वेजिटेबल खाना चाहता है, जैसे कि कांदा, टमाटो, खीरा मैंने गए बार उसे डाला था पर वो नहीं खाया, इसलिए मैं खीरा स्किप कर रही हूँ। अगर आपको खीरा भी डालना है तो आप डाल सकते हो, बट मैंने कांदा डाला है और टमाटो डाला है, बस इससे ही मैंने सैंडविच बनाया है। आप भी ये सैंडविच बच्चों के लिए ट्राई करिए, ज़रूर खाएंगे और देखिए बहुत ही यम्मी लगता है, क्योंकि अच्छा है बच्चों के लिए। ज़्यादा वो भी स्पाइसी या फिर बहुत आलू वगैरह डाल के भी बनाया जा सकता है, लेकिन सिंपल सैंडविच मैंने बनाया है इसके लिए, क्योंकि टिफिन के लिए। तो देखिए अभी फिर से मैं इसे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नान के लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी बस। और वापस मैं इसके अब चीज़ ग्रेट कर दूँ ढेर सारा। ब्रेड उठा के इस पर थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये ब्रेड सरके ना, खिसके ना। और मैंने तवा गरम करने के लिए चढ़ा दिया था, टोस्टर नहीं है, टोस्टर जिसके पास ना हो वो भी अच्छे से टोस्ट कर सकते हैं। तो बस वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि टोस्टर होना हमारे पास ज़रूरी है तभी हम सैंडविच खाएँगे। वो तवे को गर्म आप अच्छे से कर लो और उस पर थोड़ा सा बटर डाल दो और बटर के मेल्ट होते ही अब हम इस पे अपना ब्रेड सैंडविच जो है उसे टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अमूल बटर यूज किया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बस मैं थोड़ा सा और बटर लगा रही हूँ साइड साइड में और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक के थोड़ा सा पका देंगे ताकि हमारा चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। तो हमारा सैंडविच एक साइड से टोस्ट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड से भी इसे टोस्ट कर लेंगे। तो तवे पे हम थोड़ा सा और बटर लगा देंगे और दूसरे साइड भी टोस्ट कर लेंगे। तो बस इसे उलट पलट के अच्छे से आपको पका लेना है ताकि अंदर का जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए, हमारे जो कांदा और टमाटर है वो भी अच्छे से पक जाए। तो बस मैंने उलट पलट के इसे पका लिया है, हमारा सैंडविच रेडी है। बस अब हम इसे ये देखिए अंदर का चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। बस अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और बस रेडी है हमारा चीज़ ब्रेड सैंडविच। चलिए फटाफट यूक का डब्बा पैक कर देते हैं। और गाइस, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।